अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। साथियों, कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया है। गुजरात में भी जिस प्रकार गांव गांव गली गली हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह उमंग और चारों तरफ मन भी तिरंगा तन भी तिरंगा जन भी तिरंगा जज्बा भी तिरंगा उसकी तस्वीरें हम सबने देखी है। यहां जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही, अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहां खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कातने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है, वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। और इसलिए ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये खादी उत्सव भविष्य के उज्जवल भारत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने पंच प्राणों की बात कही है। आज साबरमती के तट पर इस पुण्य प्रवाह के सामने, ये पवित्र स्थान पर मैं पंच प्राणों को फिर से दोहराना चाहता हूं। पहला, देश के सामने विराट लक्ष्य विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है।
दूसरा गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह त्याग, तीसरा अपनी विरासत पर गर्व, चौथा राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास, और पांचवा हर नागरिक का कर्तव्य। आज का ये खादी उत्सव इन पंच प्राणों का एक सुंदर प्रतिबिंब भी है। इस खादी उत्सव में एक विराट लक्ष्य, अपनी विरासत का गर्व, जनभागीदारी, अपना कर्तव्य, सब कुछ समाहित है, सबका समागम है।